बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज की हमारी रेसिपी है काबुली पुलाव। इस पुलाव को बनाने का तरीका बाकी सभी पुलाव से बिल्कुल हटके होता है, तो आज हम इस काबुली पुलाव को बिरयानी की तरह बनाएंगे। तो चलिए इसे बना लेते हैं। काबुली पुलाव या बिरयानी बनाने के लिए हम सबसे पहले गोश्त को गला लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस पर कुकर रखा है, उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी। तो ये काबुली पुलाव घी में ही बनाया जाता है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो तेल में भी इसे बना सकते हो। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसे बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए प्याज यहाँ पर हल्की गोल्डन हो गई है। अब इसमें हम मटन को ऐड करेंगे। 500 ग्राम मैंने मटन लिया है, इसे डाल देंगे हम। और प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। 2 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और नमक डालेंगे इसमें। तो ये काबुली पुलाव में थोड़ी सी नमक का टेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा नमकीन होता है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। चार से पाँच मिनट के लिए हमें अच्छी तरह से अदरक लहसुन और प्याज में से भून लेना है। तो देखिए काबुली पुलाव में गरम मसाले ज़्यादा नहीं जाते हैं, बस ज़ीरा, छोटी इलायची और बड़ी इलायची ही जाती है। इसी का फ्लेवर होता है और मटन का ज़्यादा फ्लेवर आता है इसमें। गरम मसाले हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़े से मैं इसे तीखेपन के लिए 1/2 चम्मच काली मिर्च भी ली हूँ। तो इन सबको हम मिक्सर में पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए ज़ीरा और इलायची का हमने मिक्सर में पीस कर पाउडर बना लिया है, ये डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, कोई भी गरम मसाला ले सकते हो आप। और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। इस काबुली पुलाव में मटन में नमक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये नमकीन ज़्यादा होता है पुलाव। 4 से 5 मिनट हमने अच्छी तरह से इसे भून लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो इसमें मैं 3 गिलास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि जो इसकी यखनी बचेगी उसी में हम पुलाव बनाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये काबुली पुलाव सब पुलाव से हटकर बनाया जाता है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो इसमें 3 से 4 हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो इस टाइम पर। लेकिन जो काबुली पुलाव होता है इसमें कोई भी गर्म मसाले ज़्यादा नहीं पड़ते, बस इलायची और ज़ीरा ही पड़ता है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और गोश्त को अच्छी तरह से हम गला लेंगे। गोश्त गलने तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर 8 से 10 सीटियाँ आने देंगे हम। देखिए यहाँ पर 8 से 10 सीटियाँ हो चुकी है, मैंने गैस बंद कर दिया है और कुकर का सारा प्रेशर निकाल लिया है। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर गोश्त हमें थोड़ा सा बड़े साइज का चाहिए, यानी बड़े बड़े पीसेस में गोश्त चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़े छोटे पीसेस लिए हैं, आप चाहे तो बड़े पीसेस भी ले सकते हो। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। बस इसी तरह से हमें गोश्त को पूरा अच्छी तरह से गला लेना है। तो ये गोश्त को मैं अलग कर दूंगी और जो मटन का स्टॉक है उसे अलग रहने दूंगी। तो ये सारा गोश्त निकाल लेती हूँ मैं एक बर्तन में। ये थोड़ा सा डिफरेंस पुलाव है, यानी जो हम पुलाव बनाते हैं उससे बिल्कुल हटके बनाया जाता है। ये देखिए उबले हुए मटन को हमने अलग कर दिया है और ये स्टॉक को हमने अलग रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 से 1.5 गिलास मटन का स्टॉक बच गया है। तो फिर से हम गैस चालू कर देंगे और इस स्टॉक को हमें आधा होने तक सुखा लेना है। तो तेज आंच पर मैं इसे रखकर आधा होने तक सुखा लूंगी। और साइड की गैस पे मैंने 2 लीटर पानी गर्म कर लिया है। हम चावलों को भी उबाल लेते हैं। तो उसमें डालूंगी मैं 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि हमने मटन में नमक ज़्यादा लिया है, तो यहाँ पर थोड़ा नमक कम डालेंगे हम। देखिए पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चावलों को भी उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 700 ग्राम एक्स्ट्रा बासमती लॉन्ग राइस को 1/2 घंटा पानी में भिगो कर रख दी थी, अब इसे हम उबाल लेते हैं। आप चाहे तो कोई भी नॉर्मल बासमती राइस ले सकते हो। चावलों को हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाह,
और 80% तक हम चावलों को पका लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे छान लेंगे, एक बार मिक्स कर देंगे और इसे 80% तक हम पकने देंगे। और यहाँ पर हमारे मटन के स्टॉक को हम आधा होने तक सुखा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर चावल हमारे 80% तक पक गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए कितने लंबे लंबे चावल हमारे बने हैं। तो ये 80% तक कुक हो गए हैं, मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे हम चन्नी वाले बर्तन में इस तरह से निकाल लेंगे। इसका सारा पानी हमें छान लेना है। इस काबुली पुलाव को मैं बिरयानी की तरह ही बनाऊंगी, बहुत ही यूनिक पुलाव है ये, इसे आप बिरयानी भी कह सकते हो और खाने में बहुत टेस्टी होता है। मसाले कम पड़ते हैं लेकिन टेस्ट इतना जबरदस्त आता है। आपने इस बकरा ईद पर इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए चावलों को हमने छान लिया है और अब मटन के स्टॉक को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो आप, जो स्टॉक हमारा 1.5 गिलास था तो ये यहाँ पर आधे से 1.25 गिलास बचा है। तो अब मैं इसे साइड पर रख देती हूँ और गैस बंद कर देती हूँ। अब यहाँ पर हमने देखिए 2 गाजर लिए जिसे बारीक बारीक काट लिया है इस तरह से। तो इस काबुली पुलाव में गाजर को फ्राई करके डाला जाता है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और एक फ्राई पैन को गैस पर रख दिया है, उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच देसी घी। तो आप चाहे तो इसमें तेल भी डाल सकते हो। अब 2 से 3 मिनट के लिए इन गाजरों को हमें फ्राई कर लेना है घी में। बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। 1/2 कप हमने किशमिश ली है, ये भी डाल देंगे, इसे भी हमें रोस्ट कर लेना है। बस 2 से 3 मिनट तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये गाजर और किशमिश डालने से काबुली पुलाव का जो टेस्ट है बहुत ही यूनिक हो जाता है और सब पुलाव से हटकर ये पुलाव बनता है, लेकिन खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो थोड़ा सा गाजरों को सॉफ्ट होने तक हमें इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। देखिए ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं, गाजर और किशमिश हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। उसी पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तो उसी तेल में हम इस प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को हमें बिरस्ते की तरह फ्राई कर लेना है, क्योंकि इसमें जो हमने मटन को अलग निकाल कर रखा है उबला हुआ मटन, इसमें हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर करनी है। प्याज को अच्छी तरह से हम गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए प्याज गोल्डन हो गई है, मैं गैस को धीमा कर देती हूँ और जो हमने उबला हुआ मटन लिया था, अलग निकाला था स्टॉक में से, उस मटन को डाल देंगे हम। और बस 2 से 3 मिनट तक ही हमें इसे फ्राई कर लेना है प्याज में, ताकि बिरस्ते का अच्छा सा टेस्ट मटन में आ जाए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमने प्याज के अंदर मटन को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। तो देखिए जो चावलों को हमने 80% तक उबाल कर रखा था, उसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी, ताकि चावलों में भी अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। अभी इसे हम दम पर रखने वाले हैं और एक बार मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जो काबुली पुलाव होता है उसमें ना ही हरी मिर्च होती है ना ही लाल मिर्च होती है, इसमें तीखे के लिए तीखेपन के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल से इसमें 2 से 3 जो हमने जीरा इलायची लिया है बस वही गरम मसाले होते हैं। तो आप चाहे तो इसमें तीखा करना चाहते हो तो हरी मिर्च को भी डाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर काबुली पुलाव बना रहे हैं तो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, बस थोड़े से टेस्ट के लिए इसमें मैंने गरम मसाले को ऐड कर दिया है। तो चलिए अब इसे हम दम पर रखते हैं। तो देखिए जो पतीले में हमने चावलों को उबाला था उसी पतीले में ये चावलों को हम डाल देंगे, क्योंकि अभी 20% चावल पकने के बाकी है, अभी गैस बंद है। तो देखिए सारे चावलों को मैंने उसी पतीले में डाल दिया है जिसमें हमने चावलों को उबाला था, मटन का स्टॉक था तो ये चावलों के ऊपर डाल देंगे हम इस तरह से फैलाते हुए, ताकि मटन के स्टॉक का टेस्ट चावलों में अच्छी तरह से आए। जो भी हमने मसाले डाले थे सारे मसालों का फ्लेवर इस मटन के स्टॉक में है। तो देखा आपने कि ये बिल्कुल हट के पुलाव बनता है,
लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार आपने इसे जरूर बनाकर देखना। तो देखिए, जो हमने मटन को फ्राई किया था वो मटन डाल देंगे हम इसके ऊपर चावलों के। तो देखिए, जो गाजर और किशमिश को हमने फ्राई करके सॉफ्ट किया था इस पर बिछा देंगे हम इस तरह से। ये देखिए, चारों तरफ हमें अच्छी तरह से इसे फैला देना है। थोड़ा सा मैं ऊपर से गार्निश करने के लिए गाजर और किशमिश को बचा लूंगी। तो देखिए, सभी चीजों को मैंने चावलों के ऊपर डाल दिया है। अब गैस चालू कर देंगे हम और धीमी आंच पर इसे हमें ढककर 10 से 15 मिनट के लिए दम देना है, दम पर रखना है। अगर इस टाइम पर आपके चावल एकदम सूखे हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऊपर से छिड़क सकते हो, और एक चम्मच घी डालना चाहते हो तो घी भी इसमें डाल सकते हो। तो इसे अब मैं कवर करके ढक देती हूँ। तो एक कपड़ा लगा दिया है मैंने थाली पर, 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम पर रख देंगे हम इसे। तो देखिए, 10 से 15 मिनट हो गए हैं हमने पुलाव को दम पर रखा था। अब चेक कर लेते हैं हम। माशाल्लाह, खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन दिख रहा है, दिखने में ही इतना अच्छा दिख रहा है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, और ये जब पक रहा था तो हमारे घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देखिए, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, एक एक चावल हमारे खिले खिले बने हैं। ये देखिए, जबरदस्त हमारा काबुली पुलाव बनके तैयार हुआ है। खुशबू तो इसमें से बहुत ही अच्छी आ रही है, और एक एक चावल आप देख सकते हो। तो अब मैंने गैस बंद कर दिया है और गर्मा गर्म इस काबुली पुलाव को हम सर्व कर लेते हैं। ये काबुली पुलाव ज़्यादा तीखा नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसके साथ हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और दही का रायता भी सर्व किया है। तो अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो इस तरह से कोई रायता या चटनी भी सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।